फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सेलेंट इंग्लिश क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले कि हम लोग अपने जो एंगर है, जो गुस्सा है, उसको कैसे कंट्रोल करें, उसी के बारे में पूरे वीडियो में बात करने वाला है। तो बने रहिए पूरी क्लास तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम लोग जब भी नया वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, गुस्सा यानी एंगर, ये है क्या और ये कब आता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुस्सा हमें कब आता है। कभी भी एक बात याद रखिएगा कि हमें खुद की वजह से कभी भी गुस्सा नहीं आता, यानी जो गुस्सा आता है वो दूसरों की वजह से आता है। सामने वाला कुछ ऐसा करता है जिससे हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और गुस्से से पूरे भर जाते हैं। ऐसा कब होता है कि जब आप सामने वाला से कोई चीज उम्मीद करते हो और वो ऐसा नहीं करता है, तब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आपका जो बैलेंस होता है आप उसे खो बैठते हैं और आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और गुस्से में कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी करते हैं। बात समझ रहे? तो उसको किस तरह से मैनेज करें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुस्सा आना जायज है। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग है, आप एक इंसान है, आपको गुस्सा आता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग है। इंसान होने के नाते आपको गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग है, आप एक इंसान है, आप रोबोट तो है नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आप गुस्सा हर छोटे छोटे बातों पे गुस्सा करेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। यानी जो गुस्सा है हेल्थ के लिए भी हानिकारक है और बाकी लोगों के लिए भी हानिकारक है। आपने जो आपके जो रिलेटिव्स है, जो फ्रेंड्स है, जो जिससे भी आप कनेक्ट हो, वो लोगों के लिए भी हानिकारक है। यानी आपको क्या करना है, उस गुस्सा को चैनलाइज करना। देखिए, गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि उसको सही तरह से चैनलाइज करके हम लोग उसको सही जगह पे लगाएं। जैसे दशरथ माझी की जो पत्नी थी, जब पहाड़ से गिर गई और उसका डेथ हो गया, तो दशरथ माझी को भी बहुत गुस्सा आया। तो गुस्सा वो किस पे निकाला? उस पहाड़ पे निकाला। एक छेनी और एक हथौड़ा खरीदा और उस पहाड़ को तोड़ दिया। तो इस तरह से आपको जो अपना गुस्सा है उसको सही जगह पे लगाना है। गुस्सा को, जैसे आपको गुस्सा आता है उसको पढ़ाई में दिखाइए, आप कोई काम करते उसमें दिखाइए, ना कि छोटे छोटे बातों पर आप हर वक्त इरिटेट हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो इससे आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। तो गुस्सा को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि उसको हम लोग सही तरह से चैनलाइज करें और उसको सही जगह पर यूटिलाइज करें। बात समझ रहे? सचिन तेंदुलकर, उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। तो वो जो गुस्सा जब उन्हें आता है तो वो क्या करते हैं, वो अपना जो जवाब होता है वो सामने वाला को कैसे देता है, उसके साथ जाके बहस नहीं करता है, मैं तुम्हें देख लूंगा, ये करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं करता है। उसका जवाब वो अपने बल्ले से देता है, यानी अपने काम से देता है। तो दोस्तों, आपको जब भी गुस्सा आए तो किसी के साथ बहस मत कीजिए कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, ये सब कुछ नहीं है। आपको अपने कामों से सामने वाला को जवाब देना, यानी जवाब नहीं देना, मुंह तोड़ जवाब देना है। बात समझ रहे? अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से कि सामने वाला हिल जाए। तो गुस्सा को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, सबको गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है और आना भी चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। हाँ, लेकिन आपको हर छोटे छोटे बात पर अगर गुस्सा आ रहा है तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। बात समझ रहे? तो गुस्सा को कंट्रोल कर नहीं सकते, गुस्सा को चैनलाइज करके सही जगह पर यूटिलाइज कर सकते, लगा सकते हैं, जिससे हम लोग अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज कर सकते। दशरथ माझी को गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा कहाँ दिखाया? पहाड़ पर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको YouTube में सक्सेस नहीं मिल रहा, आपको YouTube में गुस्सा दिखाना कि जब तक सक्सेस होंगे नहीं YouTube में तब तक YouTube छोड़ेंगे नहीं, वीडियो बनाना छोड़ेंगे नहीं, कि जब तक सक्सेस नहीं हो जाते तब तक छोड़ेंगे नहीं। इंग्लिश बोलना नहीं आता, गुस्सा बहुत आता कि मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, गुस्सा को निकालिए, पढ़ाई में निकालिए। डेली 10 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, 14 घंटा पढ़िए, 16 घंटा पढ़िए। बात समझ रहे? और टाइम का गुड यूज कीजिए ना। आपको गुस्सा आता पढ़ाई में दिखाइए। आप जब वीडियोस बनाते हैं, आपका वीडियोस में व्यूज नहीं आता तो वीडियोस को ऐसे बनाइए कि सामने वाला देख के हिल जाए, बोले कमाल है, क्या वीडियो बनाया। तो अपने काम में दिखाइए गुस्सा को। गुस्सा को अगर सही तरह से यूज करें ना हम लोग, तो हम लोग अपने लाइफ में कुछ भी चीज को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि गुस्सा हम लोग को हर वक्त नहीं आता, कभी कभार आता है। लेकिन अगर आप इसका सही इस्तेमाल कर लिए और सही यूटिलाइज करने सक गए तो आप अपने लाइफ में मिरेकल कर सकते, यानी कुछ भी कर सकते। लेकिन आपको इस एंगर को एनालाइज करके सही जगह पर लगाना है। बात समझ रहे?
तो गुस्सा को यूटिलाइज कीजिए, सही जगह पे लगाइए, अपने पढ़ाई पे लगाइए कि मुझे करना है तो करना, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मुझे 6 महीने के अंदर सीखना है, मैं नहीं जानता कैसे सीखना है लेकिन मुझे सीखना है, मेरे पास सिर्फ 6 महीना है, यानी 6 months यानी 180 days, मुझे 180 दिन के अंदर फ्राटेदार इंग्लिश बोलना है, उसके लिए मुझे जो भी करना है मैं करूँगा। यहाँ पर दिखाइए और आप देखिए कैसे सक्सेस होते हैं, ठीक है। और जिंदगी में कभी भी हार मत मानिए, बस आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए अपने आप को, और आपको जो भी पता है बस शेयर कीजिए, बात समझ रहे। देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे जो चीज़ एक्सपीरियंस होता है, मुझे जो चीज़ लगता है मैं वही चीज़ शेयर करता हूँ, बात समझ। मुझे लगा कि गुस्सा के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, मेरे माइंड में भी यही आइडिया चलो एंगर के ऊपर वीडियो बनाते, समझ रहे। तो एंगर को कंट्रोल करना है, उसको चैनलाइज करके सही जगह पर यूटिलाइज करना, बात समझ रहे। एक बात नोटिस किया आप जब गुस्सा होते हैं तो खुद को कभी थप्पड़ मारा, यहां पर खुद को बहुत गुस्सा आ रहा, आप खुद को थप्पड़ मारा नहीं, हमेशा सामने वाला को, बात समझ रहे। तो गुस्सा कभी भी खुद की वजह से नहीं आता है, दूसरों की वजह से आता है। तो गुस्सा को कंट्रोल कीजिए, यूटिलाइज कीजिए और अपने काम में दिखाइए, अपने आप को एक इंस्पायरिंग पर्सन बनाइए। गुस्सा आता है अच्छी बात है, लेकिन उसको सही जगह पर यूटिलाइज करके अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Have a nice day.